हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये सीखेंगे कि आप कैसे किसी मोबाइल ऑपरेटर के खिलाफ डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस को अपनी शिकायत को भेज सकते हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के अंडर में आता है, और मिनिस्ट्री मतलब होता है मंत्रालय। तो मतलब आप अपनी शिकायत डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेज रहे हैं। तो देखिए, भले वो कोई भी मोबाइल ऑपरेटर हो, भले वो एयरटेल हो, आइडिया हो, बीएसएनएल हो या कोई और हो, अगर आपको सच में कोई प्रॉब्लम हो रही है और ये जो कंपनीज हैं आपकी हेल्प नहीं कर रही है या आपको प्रॉपर रिजोल्यूशन नहीं दे रही है, तो आप अपनी शिकायत गवर्नमेंट को भेज सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस को भेज सकते हैं। तो देखिए, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा। पहली चीज ये कि जितने भी मोबाइल ऑपरेटर हैं वो सब इसके अंडर में आते हैं, भले वो प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो। दूसरी चीज ये है कि आप इनको कोई भी अनरियलिस्टिक शिकायत मत भेजिएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप बोलेंगे कि यार ये फलाना ऑपरेटर का नेटवर्क मेरे यहां नहीं है क्योंकि वो यहां पर मोबाइल टावर नहीं लगा रहा है। तो देखिए, मोबाइल टावर लगाने में लाखों रुपए का खर्चा आता है और ऑपरेटर पर डिपेंड करता है। हो सकता है किसी कारणवश कोई टेक्निकल रीजन हो गया, जो भी है, वो आपके एरिया में नहीं लगाना चाह रहे हो या कोई प्रॉब्लम हो, तो इस टाइप की आप शिकायत इनको मत भेजिएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से आपकी कंप्लेंट इस केस में क्लोज कर दी जाएगी। आप हो सकता है इसका खुद सॉल्यूशन निकाल सके। जैसे अगर आपके एरिया में कोई अच्छा नेटवर्क प्रोवाइडर है, दूसरा कोई ऑपरेटर है जो अच्छी सर्विस दे रहा है, तो आप उसमें अपना नंबर पोर्ट करवा लीजिए। पर इस टाइप की जो शिकायत है, जो मतलब जैसे समझ लीजिए सिर्फ आपके लिए तो कोई टावर नहीं लगाएगा, ग्रुप ऑफ पर्सन के लिए लगाएगा, तो उस केस में इस टाइप की आप कोशिश कीजिए कि इस टाइप की शिकायत ना भेजें। तीसरी चीज ये है कि आपकी शिकायत सच में शिकायत होनी चाहिए। जैसे कि समझ लीजिए कि आपका बिल जो आया है उसमें कुछ गड़बड़ हो गया है, या फिर कंपनी आपको किसी कारणवश प्रेशर कर रही है पेमेंट करने का। मतलब आपका बिल आना था 1500 रुपए का, पर अननेसेसरी 8000 आ गया या 5000 आ गया, और आप बोल रहे हैं कि आपका इतना यूजेज नहीं है, या फिर आपका मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता और कंपनी आपकी कोई सुनने को तैयारी नहीं है। उनका कहना यह है कि आपको पेमेंट करना है, इस टाइप का मतलब जो सच में शिकायत है उसको आप भेजिए। साथ साथ में अगर आपको जैसे प्रीपेड वगैरह से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, जैसे आपको डेटा मिलना था, डेटा पैक नहीं मिला, या फिर आप कोई रिचार्ज करवाए हैं उसका आपको नहीं मिला, तो इस टाइप की आप शिकायत, जो सच में शिकायत होती, उसको आप डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस को भेजिए। तो देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस को कांटेक्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है pgportal.gov.in। इस पे आप जाइए, प्लीज लॉज योर ग्रीवेंस हियर पे क्लिक कीजिए। अगले पेज पे आप पब्लिक ग्रीवेंस सेलेक्ट कीजिए। यहां पर जो अगला पेज होगा उसमें आप ये चाहे तो पढ़ सकते हैं। बाकी देखिए, यहां पर लिखा है आई अग्री that my grievance does not fall in any of the above listed categories। इस पे आप जो इसके सामने जो चेकबॉक्स है उस पे टिक का साइन लगाइए क्लिक करके, और सबमिट बटन पे क्लिक कीजिए। अब अगला जो पेज है उसमें आप ग्रीवेंस कंसर्न में सेंट्रल गवर्नमेंट ही सिलेक्ट रहने दीजिए, क्योंकि देखिए मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस या फिर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, और आप अपनी जो कंप्लेंट है डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज रहे हैं, और उन लोग अब अपने हिसाब से अपने जो स्टेट या डिस्ट्रिक्ट या सिटी लेवल के जो भी मतलब ऑफिसर्स हैं किसी भी ऑपरेटर के, उनको वो अपने हिसाब से संपर्क कर लेंगे। आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्ट कंप्लेंट अपनी भेजना है। तो देखिए, यहाँ पर लिखा है सिलेक्ट ministry/department, तो इसके सामने जो ड्रॉपडाउन मेन्यू है आप नीचे चले आइए, और यहाँ पर देखिए टेलीकम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट लिखा है, उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद देखिए ग्रीवेंस कैटेगरी बोल रहा है, तो देखिए यहाँ पर बहुत सारी कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो देखिए
यहाँ पर जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको आप सिलेक्ट कीजिए। जैसे मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा, जैसे आप क्वालिटी ऑफ सर्विस कर सकते हैं, फिर लैंडलाइन एंड ब्रॉडबैंड सर्विसेज, कंप्लेंट अगेंस्ट बीएसएनएल और एमटीएनएल, फॉल्ट्स विद बिल, मतलब जैसे बिल कुछ गड़बड़ आ जाता है बीएसएनएल एमटीएनएल का, वो इशू विथ मोबाइल सर्विसेज। देखिए यहां पर लिखा हुआ है प्राइवेट प्लस बीएसएनएल एमटीएनएल, तो आपकी जो भी है शिकायत आप उस हिसाब से करिए इसको सिलेक्ट। तो मैं यहां पर अभी फिलहाल इस वीडियो में इश्यूज विद मोबाइल सर्विसेज प्राइवेट प्लस बीएसएनएल एमटीएनएल सिलेक्ट कर रहा हूं। अब देखिए यहां पर आप अपना नाम लिखिए और देखिए कोशिश यही कीजिए कि जो नाम पे कनेक्शन है उसको ही आप मेंशन कीजिए, किसी थर्ड पर्सन का मत कीजिए, क्योंकि नहीं तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो। तो जैसे समझ लीजिए आपके ही नाम पे बिल है या फिर आपके नाम पे प्रीपेड कनेक्शन है, तो आप अपना नाम लिखिए, आप किसी दूसरे परिवार के मेंबर का मत लिखिए, क्योंकि हो सकता है फिर इन लोग हो सकता है आपकी कंप्लेंट को एंटरटेन ही ना करें। फिर आधार नंबर मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए, आप चाहें तो लिख सकते हैं। पासवर्ड अगर आप इस ग्रीवेंस के लिए सेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देखिए अगर आप पासवर्ड ग्रीवेंस के लिए सेट करेंगे अपने, तो इस ग्रीवेंस के जो पब्लिक, ये पब्लिक हो जाती है, मतलब आपको जब एक बार कंप्लेंट रजिस्टर्ड हो जाती है तो पब्लिक हो जाती है और कोई भी आपकी कंप्लेंट नंबर को लेकर ट्रैक कर सकता है। मैं आपको दिखाऊंगा ये आगे कैसे किया जाता है, ट्रैक कर सकता है। तो अगर आप आपकी कंप्लेंट में कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन या पर्सनल मोबाइल नंबर या एड्रेस डाला हुआ है, तो आप यहाँ पासवर्ड लगा दीजिए, कोई मिनिमम 6 कैरेक्टर्स का पासवर्ड टाइप कीजिए। यहाँ पे पासवर्ड क्लू में अपना निकनेम वगैरह कुछ भी डाल दीजिए। बस एक बात का ध्यान रखिए कि पासवर्ड क्लू और पासवर्ड आपका सेम नहीं होना चाहिए। उसके बाद एड्रेस में जो आपका एड्रेस है वो लिखिए, और मैं यही बोलूंगा कि जो एड्रेस आपके मोबाइल ऑपरेटर के साथ रजिस्टर्ड है या फिर बिल में जो लिखा रहे उसी को मेंशन कीजिए, नहीं तो फिर मिसमैच होगा, फिर प्रॉब्लम होगी। कंट्री इंडिया, सिलेक्ट स्टेट, जो भी आपका स्टेट, जैसे फॉर एग्जांपल मैं मध्य प्रदेश में हूँ तो मध्य प्रदेश सिलेक्ट करूंगा। जैसे मैं करूंगा तो ये अगली एक पूरी डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट को लोड कर देगा। तो देखिए जैसे मैं अपना भोपाल सिलेक्ट कर देता हूँ। फोन नंबर, देखिए फोन नंबर का मैं आपको बताऊंगा कि ये वाला जो फोन नंबर की फील्ड है, ये वाला, ये फोन नंबर और मोबाइल नंबर, ये आप कोई दूसरा दीजिएगा जिस पे आपको समस्या नहीं है। जैसे समझ लीजिए आप बीएसएनएल की शिकायत लिखवा रहे हैं, तो आप अपने कोई दूसरे एयरटेल आइडिया का कुछ नंबर दीजिए, आप उसी का मत दीजिए, क्योंकि जिसकी आपको शिकायत है और उसी को दे देंगे तो मिनिस्ट्री या फिर ऑपरेटर आपको कौन से नंबर पर फोन करेगा, ऐसा हो सकता है। जो भी है तो आप कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर या फोन नंबर दीजिए। तो यहाँ देखिए फॉर्मेट, यहाँ पर आपको अपन जैसे जो लिखते हैं वो ऐसे टाइप करते हैं 011, यहाँ पर ऐसा नहीं करना है, आपको 0 की जगह 91 लिखना है और उसके बाद 11 और फिर जो आपका मोबाइल नंबर है उसको आप टाइप कर दीजिए। उसके बाद मोबाइल नंबर की भी जो फील्ड है उसमें भी आप 0 की जगह 91 से चालू कीजिए और आपका जो भी 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है उसको आप टाइप कीजिए यहाँ पे। अब इसके बाद ईमेल है, ईमेल आप एक्टिव और वैलिड ईमेल एड्रेस डालिए यहाँ पे, क्योंकि ये जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है इसी पे गवर्नमेंट आपको आपके कंप्लेंट से रिलेटेड जो भी स्टेटस है उसके बारे में अपडेट देगी, और साथ साथ में आपको हो सकता है ऑपरेटर इन्हीं ईमेल एड्रेस या मोबाइल नंबर पे कॉन्टेक्ट करे। अब देखिए यहाँ पर लिखा है फॉल्टी टेलीफोन नंबर, तो देखिए फॉल्टी ये शब्द को आप इग्नोर कीजिए, आप यहां पर अपना वो नंबर लिखिए जिस पे आपको शिकायत है, जिसकी आप शिकायत दर्ज कर रहे हैं उस नंबर को लिखिए। वो लैंडलाइन भी हो सकता है, ब्रॉडबैंड का भी नंबर हो सकता है या फिर वो मोबाइल नंबर हो सकता है, तो आप यहां पर उस नंबर को मेंशन कीजिए। उसके बाद में सर्विस प्रोवाइडर मेंशन कीजिए, जो भी हो सकता है, एयरटेल हो सकता है, आइडिया हो सकता है, बीएसएनएल हो सकता है, एयरसेल हो सकता है, रिलायंस जियो हो सकता है, बहुत सारे होते हैं, जो भी जिससे भी आपको समस्या है उसको मेंशन कीजिए, सर्विस प्रोवाइडर, ये दोनों को आप मेंशन करना सही तरीके से मत भूलिएगा, क्योंकि एक भी चीज अगर गलत होगी तो मिनिस्ट्री आपकी जो कंप्लेंट है उसको सही तरीके से फॉरवर्ड नहीं कर पाएगी। उसके बाद ये जो देख रहे हैं आप बड़ा वाला बॉक्स, इसमें आप अपनी आराम से सिंपल एंड प्लेन इंग्लिश में अपनी कंप्लेंट लिखिए, आप चाहे तो हिंदी में भी लिख सकते हैं,
इंग्लिश या हिंदी यूज कीजिए, रीजनल लैंग्वेजेस मत यूज कीजिए, क्योंकि ये जो कंप्लेंट है ज्यादातर न्यू दिल्ली में जाती है और न्यू दिल्ली वाले हो सकता है कि रीजनल लैंग्वेज में लिखी हुई कंप्लेंट को क्लोज कर दें। तो आप, मैं आपको ये बोलूंगा सिंपल प्लेन इंग्लिश या हिंदी में लिखिए। यहाँ देखिए ये कैरेक्टर्स अलाउड नहीं है, तो आप इन कैरेक्टर्स का यूज यहाँ मत कीजिएगा, नहीं तो आपका ये पेज एरर देता रहेगा। उसके बाद देखिए, डू यू वॉन्ट टू अपलोड पीडीएफ अटैचमेंट। देखिए आपकी कंप्लेंट से रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी प्रूफ है, हो सकता है वो बिल हो या फिर जो ऑपरेटर के साथ आपने ईमेल करस्पॉन्डेंस किया है वो हो, बहुत कुछ हो सकता है आपकी कंप्लेंट से रिलेटेड जो भी चीज है, आप उसको पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट कीजिए और उसके बाद यहाँ देखिए यस कीजिए, एक डब्बा खुलेगा, यहाँ पर आप चूज फाइल्स करके जो भी आपने पीडीएफ फाइल बनाई है उसको अपलोड कर दीजिए, सबमिट कर दीजिए। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि 4 MB के नीचे होना चाहिए आपकी पीडीएफ फाइल का साइज, क्योंकि देखिए अगर 4 MB के ऊपर रहा तो ये पेज एरर देता रहेगा और आपकी कंप्लेंट सबमिट नहीं होगी, तो आपको फिर कंप्रेस करना पड़ेगा पीडीएफ को। तो 4 MB के नीचे रखिए और जो भी डॉक्यूमेंट है आपके कंप्लेंट से रिलेटेड उसको आप पूरा हर एक डॉक्यूमेंट को पीडीएफ कन्वर्ट करके यहाँ पर अटैच कीजिए। बस एक बात का ध्यान रखिए 4 MB के नीचे होना चाहिए, साथ साथ में सिंगल पीडीएफ फाइल होनी चाहिए। तो देखिए अगर आपके मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप गूगल पे जाके मर्ज पीडीएफ टाइप कीजिए, कोई ऑनलाइन सर्विस या सॉफ्टवेयर का यूज करके आप पीडीएफ को मर्ज कर सकते हैं। वैसे मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मर्जिंग की एक लिंक दी है, आप जाके देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि आप कैसे मर्ज कर सकते हैं पीडीएफ फाइल्स को। उसके बाद फ्रेंड देखिए यहाँ पर एक आखिरी चीज बची है, कैप्चर। यहाँ जो भी कैप्चर है उसको आप टाइप कीजिए और यहाँ सबमिट बटन पे क्लिक कीजिए। अब देखिए एक बार जब सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो कंप्लेंट है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के पास पहुंच जाएगी, और ये अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा था डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन न्यू दिल्ली में चले आएगा, और उन लोग अपने हिसाब से जैसे भी उनको मतलब जो भी उनका सिस्टम होगा उस हिसाब से उन लोग अपनी आपकी जो शिकायत है वो कंसर्न्ड ऑफिसर को आपके स्टेट या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर फॉरवर्ड कर देंगे। तो फ्रेंड्स एक बार जब आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस टाइप का रेफरेंस नंबर या कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा। देखिए यहाँ पर लिखा है DOTEL मतलब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, और ये आपका बाकी का ये कंप्लेंट नंबर है, ये ईयर है, इस टाइप का आपको नंबर रजिस्टर मतलब आपको मिलेगा। जैसे सबमिट करेंगे तो यहाँ पर भी मिलेगा, साथ साथ में आपके ईमेल पे भी आएगा और साथ साथ में आपके मोबाइल पे भी आएगा जो आपने यहाँ पर डाला है मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पे। तो देखिए इसके बारे में आपको जब भी स्टेटस चेक करना हो तो आप यहाँ व्यू स्टेटस लिखा है इस पे जाइए, क्लिक कीजिए इस नंबर, ये जो आपको नंबर मिला है रेफरेंस नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर इसको कॉपी कीजिए, यहाँ पेस्ट कीजिए। कोई अगर आपने पासवर्ड सेट किया तो पासवर्ड डालिए, कैप्चा डालिए और सबमिट बटन पर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए अभी मैंने एक कंप्लेंट रजिस्टर करवाई थी BSNL की, कि एक्चुअली मैंने अपना कनेक्शन कटवा दिया, पर जो ऑफिस है BSNL का ऑफिस वो मुझे मेरे सिक्योरिटी डिपॉजिट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, मेरे बिल में कुछ अलग लिखा आ रहा है, इन लोग कुछ और बोल रहे हैं। तो ऐसा तो मैंने यहाँ पर रजिस्टर किया है और आप देख रहे होंगे डेट ऑफ एक्शन, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उसी दिन का एक्शन हो रहा है। अभी साथ साथ में मैंने एक और कंप्लेंट रजिस्टर करवाई है जिसमें मैंने 2 बार BSNL के एक नंबर पे डेटा पैक कराने की कोशिश की, पर दोनों बार ट्रांजैक्शन फेल हो गया, पर पैसे मेरे कट के चले गए। जब मैंने BSNL के कस्टमर केयर में फोन किया तो उनका कहना है आपका रिफंड नहीं होगा। तो कंप्लेंट इस मुद्दे पे दर्ज हुई है कि जब ट्रांजैक्शन फेल हो चुका है तो आप रिफंड क्यों नहीं करेंगे, और जो भी ट्रांजैक्शन फेल है उसका मैसेज आया है मेरे पास, और साथ साथ में जो जब अपन रिचार्ज करवाते हैं तो अगर कोई ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है तो फेल्ड लिखा जाता है, वो उसका स्क्रीनशॉट साथ साथ में मैंने खुद पीडीएफ फाइल क्रिएट करके रखी, सबको अटैच करके मैंने भेज दिया, अब उन लोग इस पर कार्रवाई करेंगे। तो मेरे घर में तो ज्यादातर BSNL यूज होता है, अगर आपके
यहाँ आपके घर पे, या आप एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया और या रिलायंस जियो, ये सब यूज करते हैं ज्यादा, तो आप उनके खिलाफ अपनी शिकायत डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को भेज सकते हैं। आपको कोई भी मोबाइल ऑपरेटर से प्रॉब्लम हो या फिर कोई भी लैंडलाइन प्रोवाइडर से प्रॉब्लम हो, आप डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को बेझिझक अपनी शिकायत भेजिए। बस एक बात का ध्यान रखिए कि आपकी शिकायत सच में शिकायत होनी चाहिए। और दूसरी चीज, आप कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा कि जितने नेसेसरी प्रूफ डॉक्यूमेंट्स हैं उसको आप जरूर इनको अटैच करके भेजें, ताकि उचित कार्रवाई की जा सके। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप ये सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम के बारे में और ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो आप pgportal.gov.in पे जाइए, और यहाँ पर साइड बार में, लेफ्ट हैंड साइड में पूरी लिंक्स है, इसको पढ़िए, आपको और क्लियर हो जाएगा कि ये पूरा सिस्टम कैसे काम करता है। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।